क्या हाल है भाई के? जी भाई, क्या नाम है आपका? रोहित सर। रोहित, रोहित क्यों आए हो आप सप्लीमेंट्स वाला? सर मैंने पावर मास गेनर परचेस किया था यहाँ। अच्छा, पावर मास गेनर आपने लिया था? ठीक है, तो मेरे को 15 से 20 दिन हो गए इसको लेते लेते रेगुलर कंटिन्यू पावर मास गेनर को। ठीक है, तो सर उस पर मेरी डाइट वगैरह सब चल रही है ठीक ठाक, जैसे होता है नॉर्मली सब कुछ चल रहा है। रोहित मुझे एक बात बताओ, जो सप्लीमेंट्स लगता है डाइट प्लान आया था वो फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे? अच्छा, अपना अपने हिसाब से ले रहे हो आप डाइट? जी सर, जो मैं मतलब पहले से जो लेता आ रहा हूँ मैं वही सही। अच्छा ठीक है, तो आज मतलब आप जो है डिस्कशन करने के लिए आए हो, वो सप्लीमेंट लेने नहीं आए हो? जी जी ठीक है। तो भाई क्या मन में शंकाएं हैं आपको? मन में तो सर वही है कि देखो नुकसान तो खैर नहीं है उस चीज़। हाँ, नुकसान नहीं है, पावर मास गेनर का चीज है। देखो वो फर्क थोड़ा बहुत लग रहा है, पर लग रहा है, पर हाँ कुछ हो रहा है सर, मतलब सेटिस्फेक्ट्री फर्क नहीं लग रहा। अच्छा, अभी कितना मतलब जो है आपको क्या लगता है कितना वजन बढ़ा होगा आपका, आपने चेक किया हो तो? अभी सर 2-3 किलो तो बढ़ा है। 3 किलो वजन बढ़ गया है आपका? ठीक है, कुछ मसल साइज भी बढ़ रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़ा है, मसल बड़े भी दिख रहे हैं, पहले से जो थोड़े कम लगते थे वो बड़े भी दिख रहे हैं। वो बड़े भी दिख रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, पर आपको ये लग रहा है कि भैया रिजल्ट थोड़े से कम है? कम है, ये मन में आया आपके, है ना, यही पूछ रहे हो ना आप? भाई इस चीज़ को समझो मेरी बात को। देखो ये जो डाइट वगैरह भी देखो नॉर्मली जो होती है अपनी सब फॉलो, जैसे नॉर्मली बेसिकली सब करते ही जो नॉर्मल सुबह दोपहर शाम बीच में थोड़ा हाँ शेक वगैरह ये सब चीज ले ही रहा हूँ। हाँ, जो स्पेसिफिक डाइट प्लान आया सप्लीमेंट्स लगा वो फॉलो नहीं कर रहे अभी तक? नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, अब छोटा मास गेनर लेके थे, बड़ा वाला? छोटा वाला 3 किलो का ना? जी जी। अच्छा, 3 किलो का मास गेनर, मेरे हिसाब से अभी 15 दिन आपने खा लिया है वो? जी सर, मेरे हिसाब से 15-16 दिन का भी और बच रहा होगा। बच रहा है सर, अभी आधा डब्बा बच रहा है। आधा डिब्बा बच रहा है। अच्छा रोहित, आपने अगर नोटिस किया हो, मेरी वीडियोस देखते हो आप? जी जी सर, रोज देखते हो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहाँ पे देखते हो? सर इंस्टा पे ज्यादा देखते हो। इंस्टा पे ज्यादा देखते हो। अच्छा, जो छोटा वाला जो बॉक्स होता है पावर मास गेनर का, वो वीडियोस में मैं चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कहता रहता हूँ ये वजन बढ़ाएगा, कितना वजन बढ़ाएगा याद हो तो कुछ? 4 से 6 किलो बढ़ाएगा। तुम्हारा आधा डिब्बा खत्म? जी सर। ठीक है, अभी तुम सप्लीमेंट्स वाला डाइट प्लान पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी कितना वजन बढ़ गया? 2-3 किलो बढ़ा है। तीन बढ़ गया। अच्छा, आधे में आप उम्मीद कर रहे हो कि तीन और बढ़ जाएगा? तीन बढ़ गया। कितना हो गया? 6 किलो। मैं क्या कहता हूँ कितना बढ़ाएगा? 6 किलो। अब मेरी बात समझो बाबू, ये जो ओरिजिनल मास गेनर्स होते हैं ना, इनका रिजल्ट है ना धीरे धीरे। अगर आप ये समझो कि भाई मैं एक मास गेनर लूं, सर जैसे और जैसे गेनर होते हैं ना कि मतलब कि गले फुला दिए, पेट फुला दिया, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बल्कि मतलब पैरों से ऊपर तक सारी जगह चढ़ता है ये पावर मास गेनर, कोई मतलब किसके साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, अच्छी चीज़ है और अच्छा ब्रांड है। अच्छी चीज़ है ना? हाँ जी। अगर मैं इसको इंडिया का नंबर 1 मास गेनर कहूँ तो? तो सर मैं तो 5 में से पूरा ही 5 बोलूँगा, मतलब है मास गेनर इंडिया का सर। तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से आप 15 दिन में 3 किलो वजन बढ़ाना मेरे हिसाब से ठीक है। अब इसमें रोहित बताऊँ क्या है, इसमें ये बात यह है कि अगर आप सप्लीमेंट्स वाला जो डाइट प्लान अगर फॉलो करो ना, तो मैं कह रहा हूँ ये 3 किलो आपका जो बचा हुआ है वो 6 भी बढ़ सकता है। दिन के अंदर नॉर्मली जैसे सब खाते हैं, जैसे कि अपने मूंगफली वगैरह। अच्छा, क्या क्या खाते हो चलो बताओ एक बार, मैं सुनना चाहता हूँ। मूंगफली होगी? नहीं, सुबह से बताओ, जैसे आप उठे सुबह से शाम तक का। सुबह से सर ब्रेड हो गई अपने, ठीक है, ब्रेड हो गई सुबह उठे, ठीक है, दूध हो गया उसके साथ, ठीक है, और क्या कहते हैं एक आधा बनाना हो घर के अंदर वो चल जाते हैं, ड्राई फ्रूट चल जाते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। दोपहर में अपने वही है थोड़ा बहुत, अपने लंच के अंदर अपने चावल ले लिए, ठीक है, ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद लंच किया आपने, ठीक है, दोपहर में, ठीक है, तो उसमें वही है अपने चावल दाल रोटी वगैरह, ठीक है, जो नॉर्मल लंच होता है, ठीक है। फिर जाने से पहले अपने एक बनाना खा लिया जिम से पहले, हाँ जिम से, ठीक है, फिर अपना जो भी क्रिएटिन वगैरह जो भी अपन यूज करते हैं कंज्यूम करते हैं उसको पी के अपने सीधा जिम के अंदर, ठीक है, फिर अपने वर्कआउट शुरू, वर्कआउट कर लिया, उसके बाद में फिर गेनर पीता हूँ मैं, बाद में कुछ खा के जैसे अंडे केले वगैरह। अच्छा, पहले नॉर्मल डाइट लेते हो फिर गेनर लेते हो? जी जी, ठीक है, फिर उसके बाद में वर्कआउट के बाद खा के सोने से पहले, जब उसको मैं सोने से पहले पी के फिर सोता हूँ। और दिन में कितनी बार ले रहे हो? दिन में तो सर अभी एक ही बार चला रहा है। एक बार ले रहे हो? जी सर। अब मेरी बात सुनो यार सबसे पहले तो वो दिन में कितनी बार लेना होता है? 3 बार। दो बार? दो बार तो 3 दे रखा है सर डब्बे में। दिन में लेना होता है वो 2 बार? हाँ, डिब्बे में 3 स्कूप एक बार में बता रखी है, 3 स्कूप एक बार में। मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा, सबसे पहले वो आपको लेना है दिन में 2 बार। आप ले रहे हो यार दिन में 1 बार, अभी तो आपने बताया है मुझे, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप 2 बार ले रहे हो, पर आपने मुझे बताया कि आप 1 बार ले रहे हो। भाई 1 बार के हिसाब से तो भाई 3 किलो बहुत बढ़िया वजन बढ़ गया। ये है सर, क्योंकि भूख का कोई इश्यू नहीं है मेरे को, भूख तो मेरे को देखो नॉर्मली ठीक लगती है। अगर मैं बाई दी जैसे कि गेनर वगैरह नहीं भी खाऊंगा ना, तब भी मेरे को ऑटोमेटिकली भूख लगती है। ये बढ़िया बात है भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका डाइजेशन ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूँ गेनर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
अच्छा अब देखो यहाँ पर आपके पास आधा डिब्बा बचा हुआ है जी सर। भाई साहब मेरे हिसाब से ना बहुत अच्छे रिजल्ट हैं ये। एक टाइम मास गेनर ले रहे हो, उसमें भी तुम सुबह दोपहर शाम का खाना खा रहे हो और भाई 3 किलो वजन बढ़ा रहे हो। वेट लिफ्टिंग में भी सर बिना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बिना सेल्स के खुद ही सेट मार लेता हूं भाई रोहित भाई 40-50 के आसपास, उससे ऊपर ऊपर मारता हूं। तो भाई इससे अच्छे रिजल्ट और क्या होंगे यार। थोड़ा सा मिलना भी था सर आपसे इस बारे में नहीं, तो वो आपके पास ठीक है। अब मैं आपको एक सलाह देता हूं, आधा डिब्बा बचा हुआ है आप उसको करो दिन में 2 बार, एक बार सुबह कर दो एक बार शाम को, तो आप ले ही रहे हो बाबू ठीक है। अब देखो आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर खा रहे हो सिर्फ, मेरी सलाह से आप एक बार मतलब जो है सुबह के टाइम मतलब जैसे 11 बजे 11:30 बजे आप 100 ग्राम सत्तू ऐड कर लो पानी में, साथ में एक केला ठीक। और शाम के टाइम 4 बजे के आसपास आप जो है 100 ग्राम शकरकंदी ऐड कर लो। शकरकंदी तो सर जैसे कि मार्केट वगैरह जाते हैं जब भी बाबू ने देखो पता है डाइट का मतलब क्या होता है, डाइट का मतलब होता है कि कोई चीज हम रेगुलर खाएं, रेगुलर डाइट का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं भाई, ऐसे तो कभी कभार मेरा मन करता तो मैं भी गोल गप्पे खा लेता सर। जैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं वर्कआउट करके आते हैं अंडे केले, ये तो सभी नॉर्मली सब खाते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है। बंदा क्या होता है पकता था इन सब चीजों से ले लेके रो भाई। देखो एक जो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान होता है ना वो यही होता है यार, और ये हमेशा की नहीं है। जब आपका वजन बढ़ जाए ना उसके बाद छोड़ देना, मेरे कहने से एक मास गेनर को 2 बार कर दो आप, और एक बार सत्तू और एक बार ये शकरकंदी ऐड कर लो। शकरकंदी के साथ में आपको 20-30 ग्राम गुड़ भी जरूर लेना है। गुड़ तो सर मैं रोज खाता हूँ, तो शकरकंदी के साथ और लेना है भाई। मेरा आपसे वादा है जो आपका आधा डिब्बा बचा हुआ है ना उसमें आपका कम से कम 5-6 किलो वजन और बढ़ जाएगा। दो टाइम लेना पड़ेगा ठीक है ना जी सर। तो भाई मेरे हिसाब से ये सेटिस्फैक्टरी है सर, वैसे ज्यादा कोई वो नहीं है, सही है वैसे तो जैसे आप। हाँ तो फिर मतलब फिर भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर शंका किस बात की थी यार। नहीं थोड़ा सा बात करनी थी आपसे मैंने सर, थोड़ा सा और अपने तरीके से आप समझा देते गाइड कर देते इसमें। हाँ वो सब क्लियर है सर, क्लियर है ना। हाँ जी कोई और कोई शंका नहीं सर, नहीं है ना। और भाई और जैसे कि सर क्रिएटिन है मेरे पास, तो मैं जैसे कि मैं लेके गया था अपना एनर्जी प्रो, हाँ जी, तो उसमें इसको ले सकते हैं। देखो क्रिएटिन को आपको लेना है एक्सरसाइज करने से पहले 1.5 चम्मच और आधा चम्मच एनर्जी प्रो, 3 ग्राम का हमको लेना होता है 4-5 ग्राम अच्छे रिजल्ट के लिए। तो पहले 1 चम्मच पूरा ले लिया क्रिएटिन का 3 ग्राम का, फिर आधा ले लिया तो 1.5 और हो गया, तो 4.5 ग्राम हो गया बहुत है। और जो चम्मच एनर्जी प्रो के अंदर निकली है उसी से आधा चम्मच एनर्जी प्रो 200 ml पानी घोलो और पी जाओ, वो ऐसे लेना है। ठीक है सर, इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे कि आप ये कहोगे भैया मजा। सर जैसे कि क्रिएटिन पीते हो ना तो ये देख लो 10-10 की प्लेट यहाँ पे 10 की यहाँ पे फिर तो दे धनादन जिम में, फिर पता नहीं लगता उसके बाद में। तो भाई तो मैं किसी को बुलाता भी नहीं हूँ, ऐसी जिम में मार लेता हूँ इसको एटी सर, मैं तो 150-200 मारता हूँ उसको। तो यार भाई बताओ यार फिर और क्या लोगे यार जिम के अंदर भाई, लेग प्रेस में इसमें ये सब मेरे हिसाब से बेहतरीन रिजल्ट है यार, ये बहुत अच्छे रिजल्ट है सर। तो ठीक है, बस ये है कि भाई थोड़ा सप्लीमेंट्स लगा डाइट प्लान आप फॉलो। जी जी सर ठीक है, और कोई सवाल? बाकी तो सर यहाँ से पूरी सपोर्ट मिलती है, मिलती है, कॉल भी आती है, मतलब 10 दिन में हफ्ते भर में कॉल भी आती है, पूछते हैं कि कोई उसमें दिक्कत परेशानी तो नहीं है प्रोडक्ट में। रोहित फिर तो यार बेहतरीन रिजल्ट है जी सर, तो मैं ठीक है कुछ कह नहीं, बट शंका दूर होने जरूरी। नहीं नहीं सर बिल्कुल। तो दोस्तों आपने सुना भैया की सारी बातें, हमारी पूरी बात सुनी, और ये बात मैंने भैया को बोला था, भैया कहते भैया मैं अपनी शंका दूर करने के लिए आया हूँ, मेरे को कुछ पूछना है, तो मैंने इसलिए फिर मैंने बोला मैंने कि भाई आप ऑन कैमरा पूछो जो भी पूछना चाहते हो। देख लो यहाँ पर जो सप्लीमेंट्स की तरफ से डाइट प्लान मिले आपको उसे फॉलो करें यार आप प्लीज़। और ये भैया एक बार मास गेनर लेना है, दिन में 2 बार लेना है मास गेनर, और ये जो 4-6 किलो वैसे इनका एग्जैक्ट बढ़ रहा है, एक बार में 3 किलो बढ़ गया इनका 15 दिन में, अब 2 बार कर देंगे तो और बढ़ जाएगा। ये 4-6 जो मैं कहता हूँ ना ये मिनिमम बोलता हूं मैं कि भी इतना तो बढ़ ही जाएगा, डाइट अच्छी लोगे ना तो 10 किलो भी बढ़ जाएगा भाई, और बात में दमे नहीं है जी बिल्कुल सर, दम सुन लो। तो भैया आप भी ऑर्डर करो क्या पावर मास गेनर, इंडिया का नंबर 1 मास गेनर है, 3 किलो की 3500 की, 6 की 5600 की, और चिंता ना करो सप्लीमेंट सुला साथ है भाई के भी और आपके भी। थैंक यू सर, थैंक यू।